कोरोना के चलते हरियाणा रोडवेज ने दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों पर पाबंदी लगा दी थी, जिनमें से कई बसों का अभी तक परिचालन नहीं किया गया। कोरोना मामले कम होने के बावजूद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के रूट पर चलने वाली बसों पर फिलहाल रोक जारी है, जिसके चलते इन राज्यों में जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम राहुल है, मुझे हिमाचल जाना था लेकिन अभी कोरोना के करके बसें बंद हैं, तो हमें काफ़ी परेशानी आ रही है। अभी बसेज हमें चेंज करनी पड़ती हैं और किराया भी ज़्यादा लगता है, तो मेरी सरकार से अपील है कि अब तो कोरोना कम हो गया तो वो बच्ची बाकी सारी बसें भी चलाएं। अमित है जी मेरा नाम, मुझे उत्तराखंड जाना था जी। अब तो कोरोना भी ख़त्म हो चुका है, लगभग आधा हो गया है जी, तो बसों के अदल बदल करने के चक्कर में कुछ बसें बंद हो चुकी हैं, मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कारण से बस मैं सरकार के यही अपील करूंगा कि बसें खोल दी जाएं, रोडवेज को चलाया जाए प्रॉपर तरीके। ज़्यादा पैसे लगते हैं या सर बहुत बसें बदलती हैं, 3-4 बसें बदलनी पड़ती है सर। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि बसों के बंद होने के चलते उन्हें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए 3 से 4 बसें बदलनी पड़ रही हैं, जिसके कारण सफर में पैसा और समय दोनों ज्यादा लग रहा है। अब कोरोना के मामले कम हो गए हैं, इसीलिए सरकार को कोरोना नियमों के साथ बसों का परिचालन शुरू कर देना चाहिए। अभी हमें मुख्यालय की तरफ से आदेश आए हैं कि जैसे ही, जैसे संभावना है कि 1 जुलाई जो अगला दिन है, तो उस तक हिमाचल जो कि प्लान बंद है, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो उसके लिए मद्देनज़र ये है कि तैयारी रखें अपनी, कि जैसे ही कुछ दिनों से बसें पूरी नहीं चल रही थी तो उनका रख रखाव जो है उनको सारा कुछ चीज़ चेक कर लिया जाए, ताकि जैसे ही आदेश आएंगे तो प्लान वहाँ पर करेंगे। लंबा सफ़र है तो उस हिसाब से हमारी जो बसें हैं उनका संचालन ठीक से हो सके। हमारा जो फ्लीट है जिसमें किलोमीटर स्कीम की बसें भी थी उसको मिला के हमारे पास 190 के आसपास था। बीच में कुछ हमारी जो बसें हैं जो कंडेमनेशन के लिए भी चल रहा था, तो लगभग हमारे पास कोई 160 के आसपास जो हमें बसें थी। तो पीछे दौरान जैसे ही कोविड के केसेज जब बढ़ गए थे और जो आदेश आए थे कि एज पर डिमांड ही चलाना है, तो उसमें 0.5% जो थी 50% बसें चल रही थी, अब वो एज पर डिमांड जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं और पंजाब की तरफ ज़्यादा जो हमारी बसें ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि लोग जो प्रवासी मजदूर जो कि काम पंजाब में करते थे और जो बिहार यूपी गए थे उनका आना वापस हो रहा है, तो पंजाब की तरफ ज़्यादा मूवमेंट है। अभी सब चल रहे हैं कोविड के चक्कर में, मतलब कोविड में जो दौरान था तो उसमें जो कि था कनेक्टर ड्राइवर जैसे कोई बीमार हुए कुछ है तो उन्होंने रेस्ट लिया गया, मेडिकल रेस्ट लेके उन्होंने किया था, और अब जो है ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है और जितना भी हमारा स्टाफ है जो है तो सारा ऑन ड्यूटी है। बिल्कुल समय समय पर जो है हमारे बस अड्डों पर फ़ोन आता है, जैसे यूपी लखनऊ के लिए पूछा जाता है, लखनऊ के लिए हमने शुरुआत की थी, लखनऊ, बरेली, मेरठ, तो यहाँ पे लोग पूछते हैं कब संचालन होगा, तो उसके मद्देनज़र जो मेरे काउंटर पार्ट्स जो GM लखनऊ हैं, जो RM हमारे सहारनपुर है, उनसे ही बातचीत हो रही है कि जैसे ही आदेश उनकी तरफ से आएंगे तो वो भी शेयर कर लेंगे और हमें मुख्यालय की तरफ से भी जो है आदेश प्राप्त हो जाएंगे, उसी हिसाब से जो है प्लान शुरू कर दिया जाएगा। GM रोडवेज अम्बाला से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि जनता को आ रही समस्याओं को देखते हुए मुख्यालय द्वारा इन रूटों की बसों को चलाने के लिए तैयार रखने के आदेश आए हैं। बसों की देखरेख व मेंटेनेंस की जा रही है, उम्मीद है इसी सप्ताह आदेश आने के बाद बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।